करनाल की पुरानी सब्जी मंडी के पास एक गली के सीवरेज में 6 महीने के भ्रूण के मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। स्वीपर द्वारा गली के सीवरेज की सफाई की जा रही थी कि जैसे ही एक सीवरेज के ढक्कन को खोलकर स्वीपर ने सफाई करनी चाही तो उसे सीवरेज में एक भ्रूण मिला। वहीं भ्रूण मिलने की सूचना मिलने पर आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अपने कब्जे में लिया और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजा। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई भ्रूण के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद की जाएगी। इतला दी कि संसार बाग में नाले के अंदर से एक भ्रूण निकला है जो करीब 4-5 माह का है, जिसको कब्जा में ले लिया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी जब तक कोई बात सामने नहीं आती कुछ नहीं कर सकता। नियमानुसार कार्रवाई की एक भ्रूण नाले में पड़ा था और शिविर मैन ने साफ करते उसको निकाला है और जो मौका पर शिविर मैन मौजूद है कार्रवाई कर आपको जानकारी दे दी गई है। चेकअप करवा दिया गया है और अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई आसपास के लोगों ने अब तक कुछ किसी ने मुंह नहीं खोला है, लेकिन इस बारे में खुफिया तौर पर भी और अलग तौर पर भी तस्दीक जारी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ का कहना है कि उन्हें इस मसले की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएमओ के सुपुर्द कर दी जाएगी। प्रेस के माध्यम से ही सूचना प्राप्त हुई है कि कोई एक भ्रूण लगभग 4-5 माह का भ्रूण मिला है, तो इसके बारे में पुलिस ने उस भ्रूण को लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अभी हमने उसके बारे में डिटेल जो है वो कल्पना चावला में जो पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड वगैरह बनाया जाएगा उससे सारी डिटेल इसकी दी जाएगी और डिप्टी सिविल सर्जन PNDT को हम डायरेक्ट करेंगे कि वो सारी इस मामले की जांच गहनता से जांच करें, अपना पुलिस के साथ भी ये कहाँ क्या मामला है, कहीं इसमें किसी तरह की कोई लीक जांच या कोई अवैध उसमें NTP का गर्भपात का कोई केस तो नहीं है, और जैसा भी इसमें पता चलेगा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सत्य खबर के लिए करनाल से मैनपाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।